बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, अरहर, चना, सरसों, ज्वार और मक्का की। इसके अलावा भी कई और जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। घरेलू स्तर पर घटी प्याज की पैदावार, इस साल 31.01 मिलियन टन होने की उम्मीद। और मंडी खबर में सबसे पहले बात प्याज की। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 22 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 2,550 रुपए। 23 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,550 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 22 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1,366 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 9 रुपए टूटकर 1,357 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 22 अप्रैल को इसका भाव रहा 1,050 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 350 रुपए की मजबूती के बाद 1,400 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बीते दो दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 23 अप्रैल को प्याज 1,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1,625 रुपए, 23 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 1,605 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। तो अभी आपने प्याज पर रिपोर्ट देखी और आइए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार यानी मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। अनुज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्याज के ताज़ा हालात को देखकर आगे क्या संभावना लग रही है, क्योंकि हमने भी बताया कि इस बार जो ताज़ा सब्जियां हैं उनके निर्यात में भी कमी देखने को मिल रही है, तो क्या घरेलू स्तर पर इन सभी फैक्टर्स का भाव पर असर पड़ेगा, खासतौर पर प्याज पर? अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज के बाजार में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि इस बार प्याज की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल सकती है।
तो प्याज के बाजार में हमने एक उठापटक होती हुई देखी, हालांकि भावों में थोड़ा सा उछाल भी रहा है, तो कहीं ना कहीं कम पैदावार होने की वजह से, कम अराइवल होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में आवक कम रह सकती है और उसका असर भावों पर रहेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो छोटी अवधि में जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाव में उछाल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आपसे अनु जी जानना चाहेंगे कि किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए, क्या उन्हें और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर अभी जो भाव मिल रहे हैं, मिला जुला रुख जो देखने को मिल रहा है, इसमें भी कुछ स्टॉक वो निकाल सकते हैं, क्या उनके लिए बेहतर रहेगा? प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमने पैदावार में कमी देखी है उसका असर भावों पे आ सकता है और निर्यात मांग का असर भी भावों पे रहेगा। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात मांग का भी प्रभाव पड़ सकता है भाव पर, और साथ ही जो पैदावार इस वक्त इस बार प्याज की कम है उसको लेकर भी बाज़ार तेज़ हो सकता है, तो किसानों के लिए बेहतर यही कि थोड़ा इंतज़ार वो कर ले, जैसा कि अनुज गुप्ता जी का कहना है। अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें, फिलहाल बढ़ते आगे और बाकी की सुर्खियों पर डालते हैं नज़र। दलहन के निर्यात में आई कमी, बीते 10 महीने के दौरान 4.56 लाख टन हुआ निर्यात। प्रतापपुर मंडी में 2,100 रुपए पर हुए मक्का के सौदे, इंदौर मंडी में 1,930 रुपए रहा भाव। और आइए बात करते हैं अरहर की। अरहर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। अरहर के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मंगलवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो कुश्तगी और लिंगा सुगुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि पिपरिया में इस दौरान अरहर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 22 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 11,070 रुपए। 23 अप्रैल को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 11,100 रुपए पर। राज्य की ही लिंगा सुगुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में उठाव के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 अप्रैल को अरहर का भाव था 11,200 रुपए, 23 अप्रैल को इसके सौदे 140 रुपए उछलकर 11,340 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की पिपरिया मंडी की बात करें तो यहां 22 अप्रैल को अरहर का भाव था 10,200 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 300 रुपए की गिरावट के बाद 9,900 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में 23 अप्रैल को अरहर का कारोबार 10,431 रुपए पर हुआ। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था, यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए अनुज जी से भी बात करते हैं। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, अरहर के बारे में अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई और कुल दलहन की बात करें तो उसके निर्यात में भी इस बार कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर बाज़ार पर हम नज़र डालें, खासतौर पर हम अरहर के बाज़ार की बात करें, तो क्या नज़र आ रहा है? भाव अभी तेज़ी पर हैं या फिर और तेज़ हो सकते हैं, क्या अनुमान है? अरहर की अगर बात करें तो अरहर के बाज़ार में हमने तेज़ी का रुख आते हुए देखा है। जैसे कि हमने देखा था कि आगे पिछले कुछ दिनों में अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिली थी, तो उसका असर भावों पर रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में भावों में एक बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। अरहर के बाज़ार में हमने तेज़ी बनती हुई देखी है। और अगर हम ओवरऑल दालों की बात करें तो दालों के जो पैदावार है इस बार कुछ कम देखने को मिल रही है भारत के अंदर, तो उसका असर सभी दालों पर रहा है और अरहर के साथ साथ सभी दालों में हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। जी जी बिल्कुल, तो जो इस बार
उपज कम है उसका ही प्रभाव साफ तौर पर आप देख रहे हैं, कुल दलहन में ही कमी है और अरहर के भाव पर भी इसी वजह से तेजी का रुख है। ऐसे में किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा अनु जी, क्योंकि अभी भी भाव तेजी है जैसा कि आप बताएं, तो क्या आगे और तेजी का अनुमान है किसानों को, क्या रोक रोक के स्टॉक मंडियों का रुख करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? अर्घी किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पैदावार कम देखने को मिली है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में और उछाल देखा जा सकता है। हमें लगता है कि डिमांड का असर भावों पर रहेगा और पैदावार में कमी का असर भी भावों पर रह सकता है, और हमें लगता है किसान अगर यहाँ से होल्ड करते हैं अरहर को, तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी स्टॉक को रोक सकते हैं, अरहर को रोक कर चलें, आगे और बेहतर दाम आपको मिल सकते हैं, ऐसा कहना अनुजी का। अनुजी हमारे साथ बने रहें, फिलहाल अब आगे बढ़ते मंडी खबर में, बात करते हैं केला की, देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में केले के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 2,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,350 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। स्क्रीन पर आप सभी भाव देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उतरौला मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहे 2,850 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चने की। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात चना की। चने की आवक पर नजर डालें तो मंगलवार को मध्य प्रदेश की मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। 23 अप्रैल को कृषि उपज मंडियों में चने के भाव कुछ इस तरह से रहे। मध्य प्रदेश की जावर मंडी में चने का भाव रहा 5,600 रुपये, आप देख सकते हैं जावर मंडी का भाव। वहीं राज्य की बनापुर मंडी की बात कर लेते हैं, यानी मध्य प्रदेश की बनापुर मंडी की भाव की बात करें तो आइए देखते हैं वो भाव कितने दर्ज किए गए। यहाँ पर आप नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 5,376 रुपये। और आइए अब दलहन के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए बात करते हैं अनुजी से। अनुजी, जैसे कि दलहन के बारे में पहले भी कह रहे थे कि कुल दलहन के निर्यात में भी कमी आई है, पैदावार में भी कमी आई है, अगर हम चने की बात करें तो क्या इसके भाव में भी तेजी फिलहाल नजर आ रही है या फिर भाव स्थिर है? चने की बात करें तो चने में इस बार हमने नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो चने के अंदर भाव मिले जुले कारोबार में रहे हैं, जबकि चने के अगर हम ओवरऑल भावों की बात करें तो भावों में बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। पिछले 3-4 महीनों की तुलना करें तो भावों में एक बढ़त ही बनती हुई दिखाई दी है। चने की इस बार पैदावार भी भारत के अंदर कुछ कम देखने को मिल सकती है, क्वालिटी में थोड़ा सा असर आ सकता है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के बाजार में भाव सीमित दायरे में रहेंगे, क्योंकि क्रॉप का आवक स्टार्ट हुई है और आने वाले दिनों में आवक बढ़ भी सकती है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में, यानी यह कहें कि अभी जिस जब आवक है उस वक्त भाव सीमित दायरे में रहेंगे, लेकिन आगे इसके भाव बढ़ने की उम्मीद है जैसे कि आप कह रहे हैं। तो अनुजी, किसानों को क्या करना चाहिए?
चने के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को से निकल जाएं, बट अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि पैदावार कम है तो उसका असर रहेगा। तो लंबी अवधि में हमें लगता है भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर स्टोर कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप अभी स्टॉक को रोक लें, अनुजी का ऐसा कहना है। चलिए बढ़ते आगे, अनुजी हमारे साथ बने रहे। अब बात करते हैं पपीता की, यानी देश की विभिन्न मंडियों में पपीता के भाव कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 4,250 रुपये, यही कि कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,700 रुपये। पंजाब की खन्ना मंडी की बात करें तो यहां भाव दर्ज किए गए 1,500 रुपये और उत्तराखंड की विकास नगर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपये। अब बात करते हैं अनार की, अनार के भाव पर आइए अब नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से ही, जहां पर अनार का भाव रहा 11,500 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 12,000 रुपये। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव दर्ज किया गया 6,000 रुपये और यही कि मुकेरिया मंडी में भाव रहा 8,500 रुपये। सरसों की अब बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों की को भी शामिल किया गया है। सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 4,652 रुपये। मध्य प्रदेश की श्योपुर कला मंडी में भाव रहा 4,900 रुपये। वहीं अगर हम राज्य की पोरसा मंडी की बात करें तो यहां पर सरसों के सौदे 4,950 रुपये पर हुए। वहीं अगर बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल से के बराबर ही लगभग देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी, यानी सरसों के उपज में फिलहाल कोई उतार चढ़ाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए बात करते हैं अनुजी से। अनुजी, सरसों के बारे में अभी हमने रिपोर्ट देखी है और हमने बताया भी कि कैसे उपज जो अनुमानित है लगभग बराबर ही रहेगी, कोई इसमें बढ़त या घटत होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में बाजार का रुख क्या रह सकता है? सरसों की अगर बात करें तो इस बार भारत में बम्पर क्रॉप हमने सरसों की होती हुई देखी है। सभी तिलहन के अंदर हमने बम्पर पैदावार होती हुई देखी है और हमने देखा है कि उसकी वजह से सरसों के अंदर और सभी तिलहन के अंदर भाव कंट्रोल में रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो सरसों के भावों में भी हमने पिछले कुछ दिनों में दबाव बनते हुए देखा है। जैसे जैसे आवक बढ़ी है भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में नरमी का ही रुख रह सकता है और वैश्विक स्तर पर भी हमने देखा है कि तिलहन के बाजार में नरमी का ही रुख देखने को मिला है। जी जी बिल्कुल, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? सरसों के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार पैदावार बढ़ी है उसका असर भावों पे रह सकता है। हमें लगता है किसानों को सरसों के अंदर तिलहन के अंदर मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आवक बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सरसों के लिए सलाह दी गई है अनुजी की तरफ से। चलिए अब फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक, अनुजी आप हमारे साथ बने रहे, ब्रेक के बाद भी आपसे बात होगी। आगे हम जानेंगे ज्वार का हाल, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडे खबर। आइए बात करते हैं ज्वार की। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात आवक की करें तो 23 अप्रैल को मंडियों में ज्वार की आवक ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,721 रुपए। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को अनाज उत्पादन का निर्यात किया है। और आइए अनुजी से बात करते हैं। अनुजी, ज्वार के आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं? ज्वार की अगर बात करें तो इस बार ज्वार की क्रॉप में पैदावार का बढ़त का अनुमान है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ज्वार में किसानों को अच्छे भाव मिले, तो उसके चलते ज्वार की पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और पैदावार बढ़ने की वजह से ज्वार की इस बार पैदावार बढ़ सकती है और मंडियों में आवक भी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो पैदावार बढ़ने का जो अनुमान है उससे आवक बढ़ेगी तो भाव नियंत्रित हो सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार में हमें एक मिला जुला कारोबार देखा जा सकता है। भावों में तेजी की आशंका कम है क्योंकि पैदावार बम्पर है, हालांकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो भाव सीमित दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा कहना अनुजी का। तो अनुजी, क्या करना चाहिए किसानों को? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है और उसके चलते भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। ज़्यादा तेजी मंदी यहाँ लगती नहीं है, भाव एक सीमित दायरे में रहेंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो किसानों को फिलहाल अपना स्टॉक नहीं रोकना चाहिए, उसे बेचना ही बेहतर रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं करेला की। देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में करेले के भाव क्या रहे। गुजरात के मनसा मंडी की बात करें तो यहाँ पर करेले का भाव रहा 2,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,250 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की गुलावठी मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये। सही भाव आवा गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बढ़ते आगे नींबू की बात कर लेते हैं। नींबू के भाव कैसे रहे? हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 8,700 रुपये। यहीं की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 9,250 रुपये। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की गुलावठी मंडी में भाव रहा 6,100 रुपये। और आइए आखिर में बात करते हैं मक्का की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक पर अगर हम आपको जानकारी दें तो इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,100 रुपये। कर्नाटक की कुशवी मंडी में भाव रहा 2,175 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,930 रुपये। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380.85 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। आइए
अनुजी से बात करते हैं। अनुजी, मक्का एक ऐसी फसल है जो विश्व स्तर पर काफी लोकप्रिय है और हम अब भारत में भी देख रहे हैं कि इसका काफी स्कोप है। अभी हमने आंकड़े भी दिखाए, क्या लगता है बाजार पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? मक्के की अगर बात करें तो मक्के की आवक भी सामान्य बनी हुई है, पैदावार भी ठीक ठाक है और वैश्विक स्तर पर भी हमने भावों में कोई खास मूवमेंट होते हुए नहीं देखी है। हमें लगता है कि वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर भाव सीमित दायरे में ही रहेंगे। वैश्विक स्तर पर भी अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है और घरेलू स्तर पर भी अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में? हमें लगता है कि अगर मॉनसून के चलते आगे चलकर अगर पैदावार में कुछ कमी होती है तो फिर भावों में तेजी देखने को मिलेगी। तो छोटी अवधि का व्यू है कि किसान क्रॉप को बेच के निकल जाएं, बट अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं लंबी अवधि में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। जैसा कि आपने बताया कि मॉनसून अगर ठीक ठाक रहा तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जिनसों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। और आइए अब बात करते हैं आलू के भाव की। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर आलू का भाव रहा 1,250 रुपये, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 1,650 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी DD किसान की YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, YouTube पर जाएं, मंडी खबर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। I was going to become a first-time voter when I was 21 years old. When I saw my name on the voters list, I was really excited. And many days before the election day, I made sure that I got the slip. And early morning, I was at the booth to cast my vote in the paper ballots at that point in time. My first voting still I remember. But many years later, after so many elections and voting, I still make sure that I don't miss an opportunity to go and cast my vote, because that is a right and that's a privilege that is given to every Indian citizen to select his representative to decide the future of the nation. On the voting day, don't forget to be there. Even if you have some difficulties of reaching the voting station because of your family commitments, your personal commitments, still you are making a wrong choice when you decide that I am not going to vote, because it is a privilege and one of the highest power that is in your hands, that is available to cast your vote. Make sure you do that. Your vote is an investment in our scientific and technological capabilities. When you vote for progress and a better tomorrow. Your vote decides the direction that India takes as a nation. 5 minutes every 5 years for our nation. Isn't it doable? Yes, it is. Let's vote with pride. My vote, my voice.